हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज संडे है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर पीछे अगर नहीं भी देख पा रहे कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा। मौसम बहुत शानदार हो रहा है जयपुर के अंदर, देखो क्या मौसम है। चल देखो गाइस, मौसम चारों मेर बादल ही बादल हो रखे, कैसा लग रहा है। तो बस ये चीज़ों को देखते हुए कपिल भी मेरे पास आ रहा है, हम दोनों थोड़ा बाहर घूम के आएंगे, थोड़ा मौसम को एंजॉय करके आते हैं बाहर के साइड जाके थोड़ा। तो मिलते हैं आगे यार। देखो वो आ गया, वो मेरे को लेने आ गया गाइस। वो देखो वो आ गया, वो रहा गाइस, गुंडा आ गया है, अभी मेरे को कॉल करेगा। हेलो कर दे, हेलो 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 कर दे, हेलो आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं गुलाब की चाय वाले के, है ना। दो चीज़ें से गुलाब चाय वाले के आ जाओ, वहाँ जाके हम चाय वाय पी के और वापस आ जाएंगे और घूमना है बस हमको। वो घूम रहे हैं हम क्योंकि कपिल के पास पैसा बहुत है, वो उसके पास पेट्रोल है, ठीक है, घूमेंगे जो करना है कर लो, घूमेंगे हम तो। हाँ तो गाइस हम आ चुके हैं गुलाब चाय वाले के और पी रहे हैं अब चाय। आगे क्या जयपुर की फेमस चाय की जगह है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है चाय के अंदर, सही बात है ना। ऐसा फीकी फीकी सी लग रही है, वो बात अलग है, मैं कम मीठे की पीता हूँ। यहाँ आज कुछ ज़्यादा ही फीकापन है, देख रहे हो कि यार मौसम यार सही में बहुत शानदार हो रहा है। और हल्की हल्की बारिश शुरू होगी, गर्म मतलब भीगता भीगता चलेंगे आज। समोसो समोसा आ रहा था कपिल के पास, फुल पेश है गाइस। गाड़ी में पेट्रोल खुद के दे रहे हैं, पेट्रोल मेरा चल रहा है, मजा आता आ रहा है घूमने में। लेकिन सुबह सुबह घूमने के अंदर बहुत ज्यादा, देखिए द्रव्यवती नदी बह रही है यहाँ। और ये अब समोसा खाने का टाइम हो चुका है हमारा गाइस। ये एक ऐसा बार एक लोता जिसमें दारू नहीं सिर्फ कॉफ़ी मिलती है, गए नियम कभी फिर बता रहा हूँ आपको। समोसा खा के कैसा लगेगा तेरे को? ठंड लग रही है फुल बरसात का मौसम, देख पा रहे हो क्या मौसम। हाँ तो मैं आ चुका हूँ घर फाइनली, बरसात में नहा के आया हूँ, लेकिन घर आके वापस वही नहाना तो पड़ता ही है यार, क्योंकि बाहर जाते हैं वो बंदे बंदे पानी के छींटे वगैरह लग जाते हैं। तो हम नहाएंगे घर आ गए, नहा लेते हैं और घर नहा धो के यार मेरे को क्या कहते हैं, मेरी बाइक की रिम थी उसमें बैंड वगैरह कुछ आ गया, तो मेरे को नई रिम लगवानी है, तो वो लगवाने चलेंगे आज। नहाए और चलो बस शू 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 शू। हाँ संडे तो बस यही काम करो, फालतू काम है, मस्त चिल आउट करो। हाँ तो गाइस जब मैं नहा धो के हो चुका था यार और खाना वाना अपना हो जाएगा वगैरह कंप्लीट, तो अब चलते हैं हम रिम को सही करवाने के लिए, मतलब नई रिम ही आज खरीद लेते हैं, वो तो रिपेयर होने उससे रही। चले आज तैयारी रहा है गाइस, ये खड़ी हमारी बाइक और ये हो रखा है इसमें ठेकला ऐसे बबूला, इसमें बैंड आ चुका है। जब टायर में हवा बढ़ती है ना तो क्या इसमें थोड़ा और ज़्यादा छेद सा हो जाता है हवा के चक्कर में, फिर और हवा उठ नहीं टिकती यार। और उसकी रिपेयर भी होगी ना अगर ये, तो इसमें क्रैक सी पड़ेंगे, ये देखो ये हड़के हड़के ये क्रैक पड़े हुए, ये देखो क्रैक आ गए, तो ये रिम किसी काम की नहीं रही। इसी चक्कर में रिम कराएंगे चेंज आज इस गाड़ी की, देखते हैं कितना क्या होता है आज, करते हैं संडे को उसकी पूरी गाड़ी की मार्केटिंग। हाँ तो गाइस तो फाइनली आधी डिस्टेंस को कवर कर चुका हूँ और आधी डिस्टेंस और बाकी रह गई मेरी इस
गाड़ी का मात्र में 20-30 की स्पीड से लेके आ रहा हूँ मानसिक से। अभी तक मैं पहुँच चुका हूँ MI रोड पे। और MI रोड मतलब आने वाली थोड़ा सा MI रोड है, और सामने है यामाहा का शोरूम जिससे वो दोनों वो FZ थी ना उसको सर्विस पे डालने गए थे। तो अब वो दोनों भी आ रहे हैं मेरे साथ ही जाएंगे हम तीनों MI रोड तक। मेरी ये जाके जिम वाके लिए पता करते हैं यार। और बारिश का हाल चाल तो पूछो मत, बहुत बढ़िया लग रहा है मानसून, मतलब पल्ला प्ले जिंदगी हो गई हमारे तो बस। हाँ तो गाइस हम आए हैं अजमेरी गेट, और अजमेरी गेट आते ही हमारी गाड़ी को खुल चुका है टायर और मिल चुकी है रिम। तो रिम लगवा के अब चलते हैं यार घर पे। गाइस BT मिल गई हमको यहाँ पे आके, जो सैंडविच खा रहे हैं ना हम, हमको लगा कि आदित्य के पास पैसे होंगे, तो आदित्य बोला ठीक है मैं करा दूँगा पैसे। लेकिन जिससे करा रहा है पैसे उसका सर्वर डाउन हो गया, और हम देख रहे हैं अब इसके पैसे कौन देगा क्योंकि तीनों के जेबें एकदम फुकरी है। 1 रुपये कौन लो थार पास गुलाब जी चाय कौन पिलाएगा। गाइस चैनल को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। तो पैसे आ जाएंगे थोड़े थोड़े, तो हम पैसे यहाँ बिल पे कर देंगे, है ना। तो गाइस हमारे फाइनली आज के सारे काम हो चुके हैं, हमारी गाड़ी वो आज से की FZ जो सर्विस करा ली, हमारी गाड़ी की रिम चेंज कराने की वो भी हो गई, और अब निकलते हैं यार हम सब घर पे। और टाइम भी क्योंकि 5:30 बजने को आई। और चोर आज तक कितनी लड़कियों के दिल चुराए तूने बता ना। गाइस एक तो घर के सामने रहती है, क्या बताया हम आपको। बताओ कितने लड़कियों की दिल चुरा लिया आपने। साइकिल पे लेके घूमता है लड़कियों को। गाइस हमारे साथ फिर से एक और BT हो रही है यहाँ पे धमाधम। आज तो मतलब दिन ऐसा जा रहा है, रटायदार मजा आ रहा है जिंदगी का। कभी चूने लगते हैं, कभी पैसे नहीं रहते और खा लेते हैं, और आज घूमने निकले तो गाड़ी में तेल खत्म हो गया रास्ते में। तो वापस देखिए कैसे चल रही है अंपाला हमारी। ये देखो सही है गाइस, हम ज्यादा दूर नहीं गए थे। हाँ तभी भी घर हमारा यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है, तो पैदल चलते हैं। गाइस देखो हमको रास्ते में कौन मिला आज। लोग बना रहे थे रवि बॉडी बना रहा है गाइस ये। हाँ तो रवि आप हमको अचानक से कैसे मिले, जैसे भगवान मिलते हैं। आज आप हमारे लिए भगवान हो यार, सही में बहुत ज्यादा बड़े आशीर्वाद। थैंक यू